हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे व्याकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण के कितने भेद होते हैं, और वर्ण किसे कहते हैं तथा वर्ण के कितने भेद होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं तथा स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तथा व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं तथा मात्रा कितनी होती है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा लिख दिया गया है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब भी होगा तब उसमें स्वर वर्ण शामिल होगा, यानी बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहायता से उसे ही व्यंजन कहेंगे। चलिए उसके आगे दिया है व्यंजन वर्ण के भेद, यानी व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। यह जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताइएगा व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, चाहे तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। यानी व्यंजन वर्ण के तीन भेद हो गए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का परिभाषा है, क से लेकर के म तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं क ख पढ़ते हैं, तो क ख का पहला वर्ण जो है क है, और प फ व का अंतिम क्या है, म है। और इस तरह से क ख व से लेकर के प फ व तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग में जो है आता है क ख ग घ ङ, और उसी तरह से चवर्ग में आएगा च छ ज झ ञ, और टवर्ग में आएगा ट ठ ड ढ ण, और इसी तरह से तवर्ग में आएगा त थ द ध न, और पवर्ग में आएगा प प ब भ म। और इस तरह से कवर्ग में जो है पांच वर्ण होते हैं, और चवर्ग में भी पांच वर्ण, और टवर्ग में भी पांच वर्ण, और इसी तरह से पांचों वर्गों में पांच पांच वर्ण होते हैं, और कुल टोटल जो है 25 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं। और उसके बाद अगर आपको कहीं वर्ग का चर्चा किया जाए कि हिंदी में या संस्कृत में जो है वर्ग कौन होते हैं, यानी वर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत और हिंदी में वर्ग पांच होते हैं, जो यहाँ पर लिख दिया गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यही पांचों वर्ण है। और इन पांचों वर्ण, इन पांचों वर्गों का जो है आगे बहुत ही प्रयोग है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग इतना बस याद रखिए कि हिंदी और संस्कृत में वर्ग कितने होते हैं, पांच होते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो य र ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी य र ल और व क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया एग्जाम्पल में य र ल और व, तो आप लोग याद रखिएगा चारों जो वर्ण है इसी को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और आपसे कहीं पूछा जाए अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, चार है, य र ल और व। उसके बाद दिया है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो बताइएगा तलाबे स, मूर्धन्य स और दन्य स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी तीनों स और ह, यानी तलाबे स, मूर्धन्य स और दन्य स, उसके बाद ह को जो है कहा जाता है उष्म व्यंजन। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया गया है, तलाबे स, मूर्धन्य स, दन्य स और ह। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कुल उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल उष्म व्यंजन जो होते हैं चार होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन चार और उष्म व्यंजन भी चार, और कुल टोटल हो गए 33, और हमारा कुल व्यंजन वर्ण होता है 33 को। चलिए उसके बाद जो है व्यंजन में ही आता है संयुक्त व्यंजन। यह जो है व्यंजन वर्ण के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसको व्यंजन वर्ण ही माना जाता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है किसे कहते हैं, आपसे अगर कहीं पूछा जाए तो याद रखिएगा जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण नहीं रहता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो व्यंजन वर्ण के बीच में स्वर वर्ण नहीं रहे तो उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और आपसे पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी चार को जो है इस संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसा कि हम लोग अगर छ को तोड़ते हैं तो छ को तोड़ने पर आता है क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। अभी छ को केवल आपको अगर तोड़ना होगा तो इसके लिए आपको लिखना है क हलंत स हलंत प्लस अ,
और इसी तरह से देखिए यहाँ क हलंत और स हलंत ये दोनों जो है व्यंजन वर्ण है और यहाँ दोनों व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। और अभी नियम में पढ़ाया गया है कि जब दो व्यंजन वर्ण के बीच में स्वर नहीं रहे तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, इसीलिए छ हो जाएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। उसी तरह से त्र को भी तोड़ा जा सकता है और उसी तरह से ज्ञ को भी तोड़ सकते हैं और स्र को भी तोड़ सकते हैं। यहाँ भी जो है दोनों वर्णों के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आएगा और हमारा कुल टोटल जो है संयुक्त व्यंजन कितने हो जाते हैं, चार, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन सभी का प्रयोग जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे वर्ण विच्छेद आपका चैप्टर, उसमें हम इसको पूरे डीपली बताएंगे। चलिए इसके आगे देखिए, कह रहा है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, यानी अभी बताएं कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं 33, 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन और चार अंतस्थ व्यंजन और चार उष्ण व्यंजन, कुल टोटल 25 व्यंजन होते हैं। कह रहा है प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो होता है उसका उच्चारण होगा स्वर वर्ण की ही सहायता से, यानी बिना स्वर के जो है व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है क, तो क को जैसे आप तोड़िएगा तो इसमें जो है आपको क हलंत जोड़ अ लिखना होगा, क्योंकि क में जो है अ भी शामिल है और क से अ तभी निकलेगा जब क में हम हलंत देंगे। उसी तरह से यहाँ प लिखा गया है प हलंत अ, यानी इस प में जो है अ भी शामिल है। उसी तरह य लिखा गया है य हलंत जोड़ अ, तो कहने का अर्थ यह है कि यह य में भी अ शामिल है और अ जो है हमारा स्वर है। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है स्वर वर्ण के सहायता से ही होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मात्रा, यानी आपसे पूछा जाए मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा क्या है, तो मात्रा स्वर वर्ण का ही एक रूप है, यानी मात्रा किसका रूप है, स्वर वर्ण का रूप है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा मात्रा जो है स्वर वर्ण का रूप है। मात्राओं की कुल संख्या 11 होती है और मात्राएं कितनी होती है, तो 11 होती है, लेकिन दृश्य यानी देखने के रूप में जो है मात्राएं 10 होती हैं, यानी मात्रा कुल होता है 11 लेकिन देखने दिखाई देने के अर्थ में जो है 10 को हमको दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया एग्जाम्पल में, जैसे देखिए क, क जो है एक व्यंजन वर्ण है और इस क में जो है अ शामिल है और हमारा अ जो है यह पहला मात्रा है, यानी अभी बताया गया मात्रा स्वर वर्ण का ही रूप है और हिंदी में जो है स्वर 11 होते हैं, यानी अ से लेकर अ तक और अ से लेकर अ तक 11 हुए यही मात्रा होता है, जैसा कि यहाँ पर सब लिखा गया है। जैसे आ गया का, इसको तोड़ेंगे क हलंत जोड़ आ और इस आ का जो है सिंबल क्या है, इसका पहचान क्या है, तो आकार है। उसी तरह आ गया कर्सई की, यानी इसमें इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा क हलंत प्लस हरस्वई और हरस्वई का सिंबल जो है इस साइड से है, जैसा कि यहाँ पर की में लगाया गया है। उसी तरह क दीर्घई की हो गया, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क हमें हलंत दे देंगे और इसमें जो भी स्वर छुपा है इस स्वर को निकाल देंगे। तो यह दीर्घ ई का सिंबल क्या है, ऐसे है, यानी ऐसे जहाँ पर दिखाई देगा किसी भी वर्ण में, जैसे नी में ऐसे है, तो इसको तोड़ेंगे तो न हलंत जोड़ दीर्घ ई दे देंगे, क्योंकि यह जो सिंबल है इस साइड से ऐसे हुआ है, इस दीर्घ ई का पहचान है, यानी जहाँ भी ऐसे रहेगा वहाँ हम दीर्घ ई को निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए क हर्षव कु, तो यहाँ हो जाएगा क हलंत जोड़ हरस्व और हरस्व का सिंबल क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा और यह है हरस्व। उसी तरह क दीर्घ कु, तो यहाँ हो जाएगा क हलंत जोड़ दीर्घ ऊ, जैसे दीर्घ ऊ का सिंबल यहाँ पर लिखा गया है इसे नीचे की तरफ होगा। उसके बाद क पर एक लेके, तो इसको तोड़ेंगे क हलंत जोड़ ए और यह ए का अर्थ होता है ए एकले, यानी किसी बॉन्ड के ऊपर अगर एक एकले दिया हो तो उसको कहते हैं ए। और उसके बाद देखिए क, तो क हलंत जोड़ अय, यानी अय जो है इसका अर्थ है डबल एकले, यानी किसी बॉन्ड पर अगर डबल एकले दिया रहे तो उसको कहेंगे हम लोग अय, यानी उसमें अय जो है स्वर छुपा हुआ है। उसी तरह कु, तो कु कहने का अर्थ है क हलंत जोड़ ओ और ओ का मतलब होता है, इसका सिंबल होता है आकार दे करके उस पर ए गो एकले, और कौ, कौ कहने का मतलब है आकार दे करके उस पर डबल एकले, इसको तोड़ेंगे क हलंत जोड़ औ। और इस तरह से जो है हमारा यह 11 को जो है मात्रा खत्म हो गया और यही 11 मात्रा जो होते हैं इनका प्रयोग हम वर्ण विच्छेद में करेंगे, तथा सभी वर्णों का, सभी जितने भी शब्द हैं उन सबका वर्ण विच्छेद किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।